हेलो स्टूडेंट फॉर क्लास 12 आपका प्रोज पूरा हो गया, शॉर्ट स्टोरी भी पूरी हो गई, पोएट्री भी पूरी हो गई, मर्चेंट ऑफ वेनिस आपका कोर्स से हट गया। तो इसका मतलब है फर्स्ट ये इंग्लिश का कोर्स पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपको ये रिवीजन मैं करवाने जा रहा हूँ। पहले पार्ट का एक एक्सप्लेनेशन देखिए। क्लास 12 ये इसके राइटर विलियम सी डगलस, और ये जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ इसका एक्सप्रेशन ये है, एट वन स्टेशन यहाँ से लेकर देयर डिजायर ये एट वन स्टेशन से लेकर देयर डिजायर तक, इस पैरा को एक बार मैं पढ़ाता हूँ। देखिए आप लोग, एट वन स्टेशन एक स्टेशन पर माय रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ द पीपल वाज इंटरप्टेड, बातचीत का सिलसिला मेरा जो व्यक्ति के साथ चल रहा था वो रुक गया। एज सून एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, कैसे रुक गया ये, जैसे ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन एक युवक, छोटे बच्चों का जो ग्रुप था, समूह था, गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वोवन रीड बास्केट्स, हाथ से बुनी हुई सरकंडे की टोकरी। सरकंडे रीड बास्केट माने जिससे पुलिस वाले डंडा लिए रहते हैं वो रीड होता है। कुछ लोग भगवान जी की पूजा में बैंड का इस्तेमाल करते हैं वो रीड होता है। कुछ लोगों के यहाँ मैंने कुर्सियाँ भी रीड की देखी हुई हैं, बास्केट की थी, मतलब ये एक हल्का बांस जैसा होता है पौधा, और इसकी सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो वो है रीड बास्केट से। विथ सिंपल डिजाइन, साधारण तरीके की एंड पैटर्न, साधारण तरीका और साधारण नमूना की बनी हुई ये टोकरियाँ बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग बर्ड्स, वे अपने अपने टोकरियों को ऊंचे उठाए हुए थे, शाउटिंग बर्ड्स को चिल्ला रहे थे अपने अपने शब्द। आई डिड नॉट नो, लेखक कहता है मुझे नहीं पता कि वो क्या चिल्ला रहे थे। क्यों? क्योंकि लेखक उनकी भाषा को नहीं जानता था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन उनकी इच्छा को तो वो समझ रहा था कि वो चाहते क्या हैं। तो ये आपको लिखना है पहले रेफरेंस, रेफरेंस आपको बताया जा चुका है पूरी तरीके से, सारी चीज़ें लिखवाई जा चुकी हैं, समझाई जा चुकी हैं, अब आपको रिवीजन हो रहा है ये, तो रेफरेंस आप देख लीजिए। रीड लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, और लेसन का नाम लिख दीजिए, सिंगल रिवर कॉम में लिखना है इसको, आ गर्ल विथ ए बास्केट
डब्ल्यू सी डॉगलस, विलियम सी डॉगलस, और इसको डबल इन्वर्ट कॉमा लिखिए। आपका रेफरेंस हो गया। ये सिंगल इन्वर्ट कॉमा और डबल इन्वर्ट कॉमा का मतलब होता है जिससे कि जांचने वाले का ध्यान इसमें आकर्षित हो जाता है कि हाँ बिल्कुल सही लिखा है। इसके बाद कॉन्टैक्ट, इसमें लेखक इस पैराग्राफ में क्या बताना चाह रहा था, इसमें लेखक बताना जा रहा था कि वह उस व्यक्ति से जब बातें कर रहा था तो अचानक उस कुछ बच्चों ने आकर उसको घेर लिया और वो बच्चे जो थे वो अपनी टोकरियां बेचना चाहते थे। तो हम ये देखेंगे द आथर, आथर सेज, ये लेखक कहता है हियर हाउ हिज, उसका जो सिलसिला था बातों का हाउज रूटीन ऑफ पैथिंग interrupted the author says here, लेखक यहाँ कहता है कि how his routine of talking interrupted at one station किस प्रकार उसका जो बातचीत का सिलसिला था वो एक स्टेशन पर बंद हो गया। When some children surrounded him on the platform, ये आपका कॉन्टेक्स्ट। लेखक क्या ये कहता है कि किस प्रकार उसकी बातचीत का सिलसिला रुक गया एक स्टेशन पर जब कुछ बच्चों ने प्लेटफॉर्म पर उसे आकर घेर लिया। और इसका एक्सप्लेनेशन, एक्सप्रेशन में आपको लिखना है लेखक व्यक्तियों से बात करना चाहता था, काफी पूछताछ के बाद उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला था जो अंग्रेजी बोल सकता था और लेखक ने उस व्यक्ति से बात की, लेकिन एक स्टेशन पर अब यहाँ से जुड़ा। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि विस्तार से लिखा जाता है जैसे सब समझ में आ जाए। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं।
The writer found a person who can speak in English. With the person. But when the train stopped, लेखक ने एक व्यक्ति को पाया जो अंग्रेजी में बोल सकता था एंड ही काबिलियत का पर्सन और उसने उस व्यक्ति से बात की. बट व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड एट अ स्टेशन लेकिन एक स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी द राइटर got down as usual. लेखक उतरा पहले की तरह. From the train, रेलगाड़ी से. Young children, saw him who were selling their hands and baskets कुछ बच्चों ने उसे देखा जो कि अपने पंखे और चौकड़ियां बेच रहे थे. Selling their fans and baskets. They gathered around him, thinking that he is a rich man and he would buy their basket. ये सोच करके कि यह वह धनी आदमी है और उनकी टोकरियाँ खरीदेगा है वैसे भी. उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए घेर लिया.
क्यों खराब कर रही हो तुम? अच्छा खासा वो सर लगा आदत ही नहीं जाए फिर सब लोग कमेंट करते हैं। अब वो ऊपर हो गया, वो पहले से देख चुका आप नीचे वो दिखता है उस वो बास्केट से। गुड वाइज यार बास्केट दे यार। सब गिर ही गया।